क्वेश्चंस को पढ़ते हो और उसको प्रैक्टिस करते हो लेकिन याद नहीं रहता है, और 10th की एग्जाम हो या 12th की एग्जाम हो या कोई भी स्टैंडर्ड हो, अगर आप इतनी चीजें करोगे जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आपको आसानी से वो सारे प्रश्न याद रह जाएंगे, ओके, और आपके अच्छे स्कोर ला सकते हो, ओके। सो क्या करना है, चलिए वीडियो में देखते हैं। सबके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें और बाहर ना जाए, स्टडी करते रहे और आपके मार्क्स अच्छे आए, ओके। सो ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो वो नहीं चाहता कि आप अच्छे से पढ़ाई ना करें और आपका स्कोर अच्छा ना हो, ओके। लेकिन सभी बच्चे जो मेरे भी यूट्यूब चैनल पर है वो भी कंप्लेन करते हैं कि मैडम कैसे याद रखे, नहीं याद रहता, बहुत मेहनत कर ली लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है, तो हम क्या करें, कैसे प्रिपरेशंस करें, क्योंकि अभी ये जनवरी चल रही है और मार्च में आपकी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है। सो टेंशन तो हो रहा होगा। सो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप स्टडी को बेहतर करने के लिए, पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, और आपके स्कोर अच्छे आए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाए, आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फ्यूचर अकेडमी, वी आर हियर फॉर अ बेटर फ्यूचर, लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम पलक प्रजापति एंड आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका स्कोर कैसे बेटर करा जाए, ओके। सो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो आपकी जो भी हैबिट रही होगी पढ़ने की, तो आप थोड़ी देर पढ़ते होंगे फिर बोर हो जाते होंगे, सो ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा, ओके। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आप बैठ सको पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिया फिर पानी पीने के लिए चल गए, 2 मिनट 3 मिनट पढ़ लिया फिर बोले कि वॉशरूम जाना है, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए। सो काफी सारे स्टूडेंट ऐसा करते रहते, इसमें उनका वक्त उसी में ही जाता है, पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं लगा पाते वो लोग। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है कि कॉन्स्टेंट एक पढ़ाई करनी है, कॉन्स्टेंट टॉपिक को पढ़ते रहना है, तभी आप उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया उसको समझ पाओगे। थोड़ा पढ़ा फिर चले गए, थोड़ा पढ़ा और फिर चले गए, तो उसमें समझ में आएगा नहीं कुछ भी, और फिर आप बोलोगे मैम याद नहीं रहता, तो कैसे याद रहेगा। मानो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि आप किसी जगह जा रहे हो, पहली बार आप उस जगह पर जा रहे हो, तो आपको जाते ही पूरा रास्ता याद नहीं रह जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको रास्ता जैसे होता है वैसे का वैसा, या जहां जहां से आप गुजरे हो वो याद रह जाता है। लेकिन 99% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको याद नहीं रहेगा, कहीं कहीं वो मिस कर जाएंगे कि अब क्या करना है, अब कहाँ जाना था, मुझे याद नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ाई में होता है, ओके। जैसे आप स्ट्रीट पर बार बार जाओगे, किसी प्लेस पर बार बार जाओगे, 1 2 3 बार चले जाओगे, फिर आपके दिमाग में वो जो मैप है वो छप जाएगा। वैसे ही किसी क्वेश्चन को या फिर किसी टॉपिक को आप बार बार पढ़ाई करोगे, बार बार उसको लर्न करोगे, तो वो दिमाग में सेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फिर आपको कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में वो प्रश्न पूछा जाए आपको उसका आंसर पता होता है, ओके। और सेकेंड चीज ये है कि अभी इतना भी टाइम नहीं बचा आपके पास कि आप स्टार्टिंग से सब स्टार्ट करो और फिर प्रैक्टिस करो और फिर आप एक हैबिट बनाओ अपनी, उतना तो अभी टाइम नहीं है आपके पास। तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप प्लीज प्लीज 10 से 15 एक एक सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व कीजिए। मानो कि गुजराती है तो गुजराती के 15 पेपर आप सॉल्व कर दो, मैथ्स है तो मैथ्स के 15 या 20 पेपर सॉल्व करो, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको बार बार रिपीट करो, ओके। इतना कर लोगे तो आपके 70 to 75% मार्क्स वहीं से आ जाएंगे, ओके। कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े और शायद पेपर में भी नहीं, और शायद अचानक से वो सडनली पूछा जाए, अदरवाइज तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वही एग्जाम में आते हैं। तो आप 15 पेपर सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ओके। और SS हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसके पेपर्स को सॉल्व कीजिए, तो आसानी से आप कर पाओगे। सेकेंड थिंग, अगर आपने पढ़ लिया, आपने लर्न भी कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको याद रहा है या नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि सेल्फ टेस्ट ले सकते हो आप अपना, ओके। जैसे कि आपने पेपर बनाया, आप अपने फ्रेंड को दीजिए, अपने आपके फ्रेंड को बोलिए कि वो भी 20 मार्क्स का एक चैप्टर में से MCQ या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले और वो आपको दे, तो आप दोनों इस तरीके प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और अगर कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, पापा या मम्मी को, वो आपके लिए डेफिनेटली 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। पापा शायद जॉब पर जाते होंगे, मम्मी भी शायद जॉब पर जाती होगी, तो रात को वो आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आप उनसे बोलिए कि मुझे
इस चैप्टर में से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस का टेस्ट बना के दो, ओके okay? आईएमपी नहीं तो कुछ भी प्रश्न का जो भी है तो वो टेस्ट बना के दो। आप वहां पे टाइम लेकर बैठिए, ओके okay? और आप सेल्फ स्टडी करके सेल्फ टेस्ट दीजिए, अगर आपके स्कोर उसमें भी अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है, तो आप ये सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, ओके okay? और अगर आप पेपर सॉल्यूशंस करना चाहते हो और कर रहे हो तो उससे क्या फायदा होगा कि आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी सीट स्पीड बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि तो ये करना बहुत जरूरी है। और एक टॉपिक और भी है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो ईच एंड एवरी टॉपिक को समझिए, ओके okay? रट्टा मत लगाइए। कुछ काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार उसको पढ़ पढ़ के उसका उसको रट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। याद नहीं करना है, उसको समझना है। जब समझोगे तो डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा, और जब याद रहता है तो लिखने में बहुत आसानी रहती है। तो ये टॉपिक याद रखना है, ओके। और आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि टॉप पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहा है, बार बार मैंने पढ़ा लेकिन याद नहीं रहा, तो आप उसका आपको उसको टिक कर देना है या फिर उसको हाईलाइट कर देना है किसी हाइलाइटर से, या फिर आप उस टॉपिक को लिख के अपनी दीवार पर उसको पेस्ट भी कर सकते हो उस कागज को, जिससे आपको याद रहे कि हाँ मुझे ये चीज याद रखनी है। तो आप जब बार बार उसको पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो भी आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रह जाएगा, और मुश्किल लग रहा था वो चीजें अब आसान हो जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स है, ये सारे पॉइंट्स है जिसको आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे स्कोर कर पाओगे, और आपके पेरेंट्स भी उससे काफी अच्छे से खुश हो सकते हैं, ओके। सो हमने इसके बारे में बात की इस वीडियो के अंदर, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 इसको शेयर करना और अपने फीडबैक भी दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और किस बारे में जानना है, आप क्या करना चाहते हो, या फिर आपको कौन सी जगह पे मुश्किल आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ओके। और हमारे इस चैनल पर हम पेपर सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, हिंदी का हमने पेपर सॉल्यूशन अभी कराया है, एसएस का हमने करा दिया है पेपर सॉल्यूशन, तो प्लीज वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।